फॉरेस्ट्री की एक रिपोर्ट फ्यूचर ऑफ जॉब फोरकास्ट के अनुसार 2020 से 2040 तक एपीएससी में ऑटोमेशन की वजह से लगभग 63 मिलियन जॉब गायब हो जाएंगी। और अगर हम स्पेसिफिकली कंस्ट्रक्शन और एग्रीकल्चर सेक्टर की बात करें तो इस पीरियड के दौरान इस सेक्टर में 247 मिलियन जॉब हाई रिस्क पर होंगे। इंडियन आईटी फर्म्स 2022 के एंड तक 3 मिलियन जॉब को कट करने की प्लानिंग कर रही हैं, और जिसमें प्रमुख कंपनीज हैं टीसीएस, इंफोसिस, विप्रो, एचसीएल, टेक महिंद्रा। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन उठता है कि ऑटोमेशन इज बून और बने फॉर आवर फ्यूचर जनरेशन। पहले हम यह आसान भाषा में यह जानते हैं कि ऑटोमेशन क्या होता है। ऑटोमेशन एक टेक्नोलॉजी है जिसमें ह्यूमन इनपुट को बिल्कुल मिनिमाइज कर दिया जाता है और प्रोडक्शन बढ़ जाता है। यह किसी भी फील्ड में हो सकता है, जैसे बिजनेस प्रोसेस ऑटोमेशन यानी कि बीपीए, आईटी ऑटोमेशन, ऑटोमोबाइल, कंस्ट्रक्शन, एग्रीकल्चर। इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन के दौरान लार्ज स्केल पर मशीनीकरण हुआ था, तो क्या उस टाइम पे सारी जॉब वैनिश हो गई थी? जी नहीं, हमने लास्ट 150 से 200 सालों में ऑटोमेशन के कारण वर्कफोर्स के एक सेक्टर से दूसरे सेक्टर में डिस्प्लेसमेंट का फेज देखा है, जिसको हम ऐसे समझ सकते हैं फार्मर्स टू फैक्ट्री वर्कर, फैक्ट्री वर्कर्स टू व्हाइट कॉलर जॉब यानी कि सर्विसेज। हम यहाँ एग्रीकल्चर का एग्जाम्पल ले सकते हैं। इंडिया में एक रिपोर्ट के मुताबिक 1991 में लगभग 63.32% पॉपुलेशन एग्रीकल्चर सेक्टर में एम्प्लॉयड थी, और वहीं 2019 में यह नंबर 42.6% रह गया है। तो ये 20 से 21% वर्कफोर्स कहाँ चले गई? ये गई है इंडस्ट्री और सर्विस सेक्टर में। और इस वर्कफोर्स के डिस्प्लेसमेंट के दो मुख्य कारण हैं। एक तो एग्रीकल्चर सेक्टर में लार्ज स्केल पर ऑटोमेशन के कारण एम्प्लॉयमेंट कम पड़ गई थी, और दूसरा इंडस्ट्री और सर्विस सेक्टर में गुड जॉब अपॉर्चुनिटी और बेटर वेजेस होने के कारण लोग इन सेक्टरों की तरफ अट्रैक्ट होते जा रहे हैं। तो यहाँ हम ये नहीं बोल सकते कि ऑटोमेशन के कारण रोजगार छिन गए हैं। अगर एक जगह पर एम्प्लॉयमेंट कम हुई है तो दूसरी जगह पर बढ़ी भी तो है ना। हालांकि आप ये चीज क्लियरली देख सकते हैं कि ऑटोमेशन के कारण एग्रीकल्चर सेक्टर में एफिशिएंसी और प्रोडक्टिविटी काफी बढ़ गई है, और इससे लोगों का लाइफस्टाइल पहले के कंपैरिजन में काफी इम्प्रूव हुआ है। दुनिया की बड़ी इकोनॉमी जैसे यूएसए, चाइना और इंडिया की बात करें तो ऑटोमेशन के कारण एफिशिएंसी और प्रोडक्टिविटी दोनों बेटर होने के कारण ये कंट्रीज ऑटोमेशन को अडॉप्ट कर रही हैं। लेकिन इसका मतलब यहाँ पर ये नहीं है कि इससे रोजगार के सारे दरवाजे बंद हो जाएंगे, बल्कि लोगों को और काफी अपॉर्चुनिटी मिलेंगी जिससे वे अपने स्किल का अच्छी तरह यूज कर पाएंगे। जैसे इन मशीनों को चलाने के लिए और रिपेयर करने के लिए तो ऑपरेटर और मैकेनिक्स ही चाहिए होंगे, जो इंसान ही होंगे। और जहां पर इन मशीनों की मैन्युफैक्चरिंग हो रही होगी वहां पर भी तो लार्ज स्केल पर इंसान ही काम करते होंगे ना। ऑटोमेशन में पूरा सिस्टम एक कंपनी के सीईओ से लेकर डिस्ट्रीब्यूटर तक चेन की तरह काम करता है, जिसमें रोजगार की काफी अपॉर्चुनिटीज होती हैं। लेकिन हाँ, यहाँ उन लोगों के लिए प्रॉब्लम जरूर होगी जो कम एजुकेटेड हैं या जिनके पास कोई स्किल नहीं है, क्योंकि ऑटोमेशन की फील्ड में काम करने के लिए आपके पास किसी स्पेसिफिक स्किल का होना बहुत जरूरी होता है। इसके सॉल्यूशन को भी हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। लेकिन इंडिया में ज्यादातर वर्कफोर्स के लो या मीडियम एजुकेशनल क्रीडेंशियल होने के कारण जॉब लॉसेस का खतरा काफी ज्यादा है, क्योंकि इस लो स्किल्ड वर्कफोर्स के लिए एक सेक्टर से दूसरे सेक्टर में शिफ्ट करना इतना आसान नहीं होगा। इन सब के बावजूद वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की एक रिपोर्ट के मुताबिक 2025 तक रोबोट्स 85 मिलियन जॉब को शिफ्ट कर देंगे ह्यूमन से मशीनों की तरफ। लेकिन वहीं इस दौरान 97 मिलियन न्यू जॉब भी क्रिएट हो जाएंगी। मीन्स ऑटोमेशन के कारण 2025 तक 12 मिलियन न्यू जॉब क्रिएट हो जाएंगी। जिस फील्ड में पहले लेबर काम करती थी उस फील्ड में डेफिनेटली ऑटोमेशन और कंपटीशन के कारण प्राइस ड्रॉप होगा, क्वालिटी और क्वांटिटी भी बढ़ेगी। मैं यहाँ ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि अगर ये सब नहीं हुआ तो ऑटोमेशन की तरफ कोई क्यों जाना पसंद करेगा। ऑटोमेशन वर्सेज एम्प्लॉयमेंट का अगर हम एक और एग्जाम्पल लें जिसके पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों एस्पेक्ट हैं, तो वो है ऑनलाइन शॉपिंग। जहां ऑनलाइन शॉपिंग से लोकल दुकानदारों का एक्सट्रीम लेवल पर नुकसान हो रहा है, वहीं इसके फायदे देखें तो ज्यादा कंपटीशन और डिफरेंट टाइप के प्रोडक्ट्स होने के कारण हम इन प्रोडक्ट्स को रीजनेबल प्राइस पर घर बैठे खरीद सकते हैं। इसके को दो फायदे होते हैं, एक तो हमारा वैल्यूएबल टाइम बचता है और दूसरा ट्रांसपोर्टेशन के दौरान खर्च होने वाली हार्ड अर्न मनी बचती है। क्योंकि अगर किसी लोकेलिटी में 10 लोग कोई ऑर्डर करते हैं तो उनको मार्केट में जाने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि एक ही एजेंट उनको डोर पर डिलीवर कर देता है और वह एक पब्लिक ट्रांसपोर्ट की तरह काम करता है, और हम लोग उस टाइम और पैसे को किसी दूसरी जगह पर यूज कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर यह सवाल उठता है कि हम ऑटोमेशन के साथ कैसे कोप अप कर सकते हैं, मीन्स कदम से कदम मिलाकर कैसे चल सकते हैं।
हमने पहले ही डिस्कस किया था कि लोअर और मिडिल एजुकेशन लेवल से बिलोंग करने वाली वर्कफोर्स ऑटोमेशन से सबसे ज्यादा प्रभावित होगी, इसलिए इस फील्ड में गवर्नमेंट को आगे आना चाहिए, गवर्नमेंट और बिजनेस एंटिटी को साथ में काम करना चाहिए ताकि लोग जल्दी से जल्दी न्यू टेक्नोलॉजी के साथ एडजस्ट कर सकें। सरकार को चाहिए कि वो स्टूडेंट्स में इम्प्रूव्ड STEM यानी कि साइंस टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग एंड मैथमेटिक्स स्किल को डेवलप करें ताकि वो AI और रोबोटिक फील्ड में हाईटेक जॉब प्राप्त कर सकें। ऐसा माना जाता है कि फ्यूचर में हाई लेवल का AI और रोबोटिक सिस्टम ड्रास्टिकली जॉब को कट कर देगा, जिससे अनएम्प्लॉयमेंट के उस गैप को फिलअप करना किसी भी गवर्नमेंट के लिए काफी मुश्किल हो जाएगा। इसलिए सरकार को चाहिए कि वो देश के हर एक नागरिक को इतना सक्षम बनाए कि वो न्यू टेक्नोलॉजी के साथ चल सके, और इसमें गवर्नमेंट पॉलिसीज और एजुकेशन इंस्टीट्यूट का बहुत बड़ा रोल होने वाला है। ये थी दोस्तों ऑटोमेशन के कारण हमारे एम्प्लॉयमेंट पर क्या प्रभाव पड़ेगा के बारे में जानकारी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।